आप देख रहे हैं SDM न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और पांच राज्यों में जो तस्वीर इलेक्शन की तस्वीर साफ हो चुकी है और अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए तमाम देश भर ने देख भी लिया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में BJP का जादू चला और तेलंगाना पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ। देखिए, मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पत्रकार भी नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल है। मैं ये एक YouTube चैनल है, सोशल मीडिया चलाता हूँ, एक छोटे मोटे सदाए मिल्लत उर्दू नाम का मैं अखबार का एडिटर हूँ। ये वजाहत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे गुज़िश्ता 2-3 महीने पुराने वीडियोस अगर आप नीचे जाके देखेंगे, जैसा मैं तबसरा कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कई तबसरे के वीडियो में डाल चुका हूँ और ये मैंने इलेक्शन से पहले ही पेशन गवाही कर दिया था कि BJP चुनके आने वाली है, मोदी जी का डंका बजने वाला है। और उस वक्त जब मैं कह रहा था, तो जब इलेक्शन का शायद प्रचार भी शुरू नहीं हुआ था, उसी वक्त मैंने, हालांकि मैं एक छोटा मोटा एक सहाफ़ी हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन मैंने खुले तौर पे कह दिया था कि मोदी जी का डंका बजने वाला है। और अभी भी मैं, हालांकि 2000 चुनाव को अभी बहुत समय है, अभी प्रचार भी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए, पूरे बहुमत के साथ, पूरे लीड के साथ मोदी जी का डंका लोकसभा में गूंजने वाला है, बजने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोग शायद हैरान हो रहे होंगे या बहुत से लोगों के ये मेरी ये बात सर के ऊपर से जा रही होंगी कि अजीब किस्म की बात है। देखिए, एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी है और 3 राज्य में BJP है, समझ लीजिएगा आप। यानी कि अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल पे भी नज़र डालें, पुराने जो 30-35 साल पीछे चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने कभी अकेले अपने दम पे हुकूमत बनाई थी किसी स्टेट में या मिलकर हुकूमत बनाई थी, वहाँ के अगर हम आंकड़े निकाल कर अगर देखें तो समझ में आता है कि ख़ासकर माइनॉरिटी के वास्ते कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया गया और बतौर ख़ास मुसलमानों के वास्ते कुछ नहीं किया गया, सिर्फ दिखावा किया गया, रियाकारी की गई, मक्कारी की गई। इसका सबूत ये है, सिस्टर कमेटी कमीशन रिपोर्ट और मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट जो आई है, जो सरकार के ज़रिए नामज़द की गई ये कमीशन थे, उनकी रिपोर्ट है ये, मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, कि इस देश का मुसलमान, इस देश में रहने वाले आदिवासी, पिछड़े जाति और दलित समाज से बिछड़ कर रह गया है, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है। सवाल ये है कि फिर इतनी इसमें ऐसी कौन सी गम की बात है, जैसा लोग, कुछ लोग गम का इजहार कर रहे हैं कि BJP कैसी आई, कुछ सेकुलर लीडर रोना रो रहे हैं और ख़ास करके मुसलमान जो लीडर है ज़्यादातर, उनके ऊपर तो गोया एक तरफ की मुसीबत आन पड़ी है कि अब क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए, ना पहले भी कुछ मुसलमानों का भला हुआ था, ना अब हुआ। अब सवाल ये है कि 2024, अब मुसलमानों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, आर या पार, या तो आपको आर हो जाना है या तो पार हो जाना है। अगर आप मुल्की गिर सतह पर सेकुलर पार्टियों के साथ फिर बड़े बड़े हमारे मुसलमान कायदीन उनके हक में मुहिम चलाते हैं, अभियान चलाते हैं और फिर एक बार संविधान को बचाने का एक आवाज़ उठेगी, देश को बचाने की आवाज़ उठेगी, फिर एक बार हिंदुत्व के नाम पे बहुत सी बातें कही जाएंगी, ये तमाम बातें 2024 में बेकार जाने वाली है, याद रख लीजिए आप। क्योंकि इस देश में देखिए, जब से भारत देश आज़ाद हुआ, जब से संविधान बना, जब से लेके आज तक, मैं ख़ास करके मुसलमानों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मुसलमानों के अंदर जागरूकता पैदा करना चाह रहा हूँ, उस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज़रा गौर कीजिए आप, जो समाज को साथ इतना भेदभाव किया जाता था, इतना अत्याचार किया जाता था पिछड़ी जाति के ऊपर, कि इनको गांव से दूर रखा जाता था,
गांव में आने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि कुएं से पानी नहीं लेने की इनको अनुमति नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, इतनी वो थी। और कोई आला जात का कोई मकान या महल्ला रहता था उस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं थी, इतनी मतलब भयानक सूरत हाल। हद तो ये हो गई जो हमने इतिहास में पढ़ा है, जो हमने बड़ों सुना है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि इतने जुल्म के अत्याचार था कि कुछ जातियाँ ऐसी थी उनको इतना अपमान किया जाता था कि उनके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी ताकि उनके वो कदम भी मिट जाए, जमीन पे ना पड़े, यानी उनके साथ उनको इतना बुरा समझा जाता था, अपशगुन समझा जाता था। यह है हमारे पुराना इतिहास। ये इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए जिस समाज का इतना अत्याचार होता था आज वो समाज कहाँ से कहाँ चला गया। आज उस समाज के लोग मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, कोई आमदार बन रहा है, कोई खासदार बन रहा है, कोई नगर सेवक बन रहा है, कोई सरपंच बन रहा है, मुख्तलिफ कमीशन के मंडलों पर बैठ रहा है, आज उनके बड़े बड़े कॉलेज कायम हो रहे हैं, आला सर्विसेज पे जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, मिलिट्री में जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं वो नज़र आते हैं। और काफ़ी तो कोई तो इतने बड़े बड़े पोस्टों पर है कि जिस समाज को पहले बुरा कहा जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, आज उस समाज के लोग बड़े गर्व के साथ एक बड़े अधिकारी के रूप में दिखाई देते हैं या नेता के रूप में दिखाई देते हैं, और जो उनकी रिस्पेक्ट होना चाहिए कानून के हिसाब से तो उनको सल्यूट मारा जाता है। ये आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। खैर, किस पर टिप्पणी करना, किसकी आलोचना करना मकसद नहीं है। सवाल ये है कि देश आज़ाद हुआ जैसे आज तक मुसलमानों को क्या मिला। आज फिर एक बार मैं अखबार में देख रहा था, फिर एक बार घुमा फिरा के बात की जा रही है कुछ मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कि 2024 के इशारे दिए जा रहे हैं कि भाई हमें तैयार होना पड़ेगा, एकजुट आना पड़ेगा, सारी बात है, और फ़िरका परस्तों को हराना पड़ेगा। ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, अखबार में भी आ रहा है। तो 2024 अब जो है, अब मुसलमानों को और जो तमाम जो ज़्यादातर ऐसे मुसलमान तंजीमें और ऐसे मुसलमान कायद, ऐसे मुसलमान लीडर, चाहे वो किसी भी रियासत से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पार्टी ताल्लुक़ रखते हो या पक्ष हो, जो ये अभियान चलाएंगे कि अब सेकुलर पार्टियों के साथ हमें जाना है, तो सवाल ये है कि सेकुलर पार्टी के साथ पिछले 50-60 सालों में मुसलमानों को क्या मिला। कभी एक बार भी देश के मुसलमानों ने बीजेपी पार्टी को आजमाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश करना था आपने। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब आप पागल हो गए क्या, आपको मालूम नहीं कि उनका एजेंडा क्या है, हिंदू राज बनाना, ये करना, वो करना, संविधान को ख़त्म करना, एक साथ सिविल कोर्ट लाना, ये आपके जहन में आ रहा होगा और ये बातें मंजर आम पर भी आ चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई एक पार्टी संगठन जो कुछ ऐलान करती है कि हमारे अजायम ये है, ठीक है उसके अपना अधिकार है, जो भी है वो कितना सही सोच रहे हैं कितना गलत सोच रहे हैं बात का विषय है, लेकिन सवाल ये है तो खाली उनके ऐलान करने से आप उनसे मतलब दूर हो जाएंगे, ये तो कोई अकलमंदी की बात नहीं है। उनसे आप बातचीत करो ना, उनसे बातचीत करो कि बोलना साहब आप सरकार में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, राज्य में आ रहे हैं, आप क्या बदलना चाहते हैं? सबको मालूम है, मैं इशारे में कह रहा हूँ, लेकिन आप बोलिए, हमें कुछ पता नहीं, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा हिंदुस्तान का आईन लिखा जा रहा था, दस्तूर लिखा जा रहा था, तो डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के बिछड़े जाती हैं, निचली जाती हैं, जिन पर अत्याचार होता था, उनको खारून के फ्रेम में बिठाकर ऐसा लेखी में लिख के गए कि आज मुल्क में चाहे बीजेपी आ जाओ, आरएसएस आ जाओ या कोई भी पार्टी आ जाओ, कम से कम आज के हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि किसकी मजाल नहीं है कि उसके साथ छेड़छाड़। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनको एक सिक्योरिटी दे के गए, आज सब फसला चल रहा है, सरकार किसकी भी बनो। तो सवाल ये है जब सरकार किसी की भी बने तो जो बिछड़ी जाती है, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई, चाहे बीजेपी आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, जनता दल आ जाओ या अन्य पार्टी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? सहूलतें जो है, मुख्तलिफ किस्म की रियायतें कानून के दस्तूर के हिसाब से उनकी जेब में रखी हुई है। जैसा कहते हैं ना, हमारे जेब में पॉकेट में पैसे हैं तो हम जो चाहे जा सकते हैं, खा सकते हैं, बस वही मामला इनका चल रहा है, और उनके लीडर एक्टिव भी हैं। अब सवाल ये है कि जो मुसलमान लीडर है
ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर देखते हैं सियासी भाषणों में कि आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और पता नहीं कैसे कैसे नामा है हिंदू संगठनों के, उनको टारगेट पर रखा जाता है। एक मनज़म तरीके से प्री प्लान उनको टारगेट पर रखा जाता है। मुस्लिम वार्डों में आकर, मुस्लिम इलाकों में आकर, मुस्लिम इलाकों में बड़े बड़े शो भरे जाते हैं, स्टेज सजाए जाते हैं, कभी हज़ारों का मजमा होता है, कभी लाखों का मजमा होता है, और उसके ऊपर निशाने पर रखा जाता है। इसलिए निशाने पर रखा जाता है कि मुसलमानों के अंदर डर पैदा हो, उनको खौफ पैदा हो कि अगर ये आ जाएंगे तो पता नहीं क्या आने के बाद हमको क्या काटना शुरू कर देते, क्या मारना शुरू कर देते, या हमको क्या समंदर सात हाथ से निकाल के समंदर फेंक देते। एक ऐसा डर खौफ, और वो डर का खौफ का क्या रिजल्ट ये आया कि 74 साल में मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जबकि बीजेपी की तरफ से कई बार ऐसा ऑफर आते रहे, उनके बड़े बड़े कायदीन बोलते रहे कि देखो भाई आप बैठो बातचीत करो, लेकिन दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी कि हिंदू राज बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जबकि तमाम मुसलमान लीडर, तकरीबन ज़्यादातर मुसलमान लीडर ये कहते हैं स्टेट से कि बीजेपी को सिर्फ इख्तदार प्यारा है, कुर्सी प्यारी है, ये कहते हैं, वीडियो मौजूद है, अखबारों में भी आया है, यानी ये उनके मुँह से कह रहे हैं। तो भाई जब आपको पता है कि चलो थोड़ी देर के वास्ते कि उनको इख्तदार प्यारा है, अपनी कुर्सी प्यारी है, तो आप भी बात करो ना कि साहब हम आपके इख्तदार के बीच में नहीं आते, आपकी कुर्सी के बीच में नहीं आते, आप हमको सिक्योरिटी दो। अब कब देंगे आप, ये ऐसी बात करेंगे कब? याद रखिए अब हालात इतने यू टर्न ले ली है कि अब ज़्यादातर तौर पे मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला बहुत अलग चले गए हैं। एक 85-90 करोड़ जो हम कह सकते हैं, मुख्तलिफ जो नामों से पुकारे जाते हैं, पहचान जाते हैं हिंदू समाज, वो जागृत हो चुका है, वे इकट्ठे आ गए हैं। आप 25-20% में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे भी एक मुत्तहिद हो गए, उल्टा 10 बार में लटक गए, कानूनी हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आपके इतने आमदार चुन के आ सकते, ना इतने खासदार चुन के आ सकते कि आप सरकार को गिराने की या सरकार को झुकाने की ताकत रखते। हाँ, एक प्री प्लान जो होते आया 70 सालों में ये होते आया कि मुसलमानों के वोट के बलबूते पर सेकुलर ताकतें जो अपने आप को अलग अलग पार्टियों से नाम से पहचानते हैं, जाने जाते हैं, वो इख्तदार में आते रहे और मुसलमानों को भला नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि अब फिर एक बार ये रचा जा रहा है, और अब मैं मुसलमानों से कहता हूँ, और ये वीडियो पूरे देश के मुसलमान 25 करोड़ के नाम है, तमाम मुस्लिम संगठनों के नाम है, तमाम देश के छोटे बड़े मुस्लिम नेताओं के नाम है कि देखिए अब 2024 में जाहिर सी बात है अब 2-5 महीने के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पूरी दुनिया में इसको लाइव बताया जाएगा और भक्तों में खुशी का माहौल रहेगा। नंबर एक हम देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, फिर एक अच्छे प्री प्लान अंदाज से उसको उठाया जाएंगे। उसके ऊपर वैसे तो आप मोदी जी ने दर्शन करके आ गए, विजिट दे के आ गए, गोया एक तरह का इशारा मिल गया, और उसके ऊपर हल्लू से कोई एक बयान आएगा, बस एक बयान रहेगा, और यूँ समझ लीजिए कि प्री प्लान रहेगा, उधर से एक बयान आएगा, उसके बाद पूरे देश में मुस्लिम लीडरान की तरफ से, ज़्यादातर मुस्लिम लीडरान की तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाएंगी। कैसा होगी? हाथ तो लगा के बताओ, मस्जिद की दीवार को हाथ तो लगा के बताओ, मीनार को हाथ तो लगा के बताओ, वो ऐसा करदा लेंगे, ऐसी जज्बाती बातें होंगी। अब जज्बाती बातें में क्या होगा, मुसलमानों को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन और हमारे जो हिंदू भाई है देश के, उनको गलत मैसेज देगा, गलत मैसेज देगा। हालांकि ये मामला हिस्सा ज़रूर है, क्योंकि मस्जिद का मामला है, अल्लाह घर का मामला है, लेकिन ये अगर वहीं के वहीं उनके बड़े जिम्मेदारों से अगर बातचीत करें तो कुछ बीच का रास्ता निकल सकता। बाबरी मस्जिद टाइम पर रास्ता निकल रहा था, लेकिन उस टाइम सबको ये खौफ था कि अगर हम अगर बातचीत में अगर हाउ बोल देंगे तो ये कौम हम पे इल्ज़ाम लगा देंगी, यानी मुस्लिम कौम हम पे इल्ज़ाम लगा देंगी, कितने बैग मिल गए, कितने खोखे आ गए, किसको क्या हो गया, एक खौफ का माहौल था। इसलिए सब ने क्या करे कि ये अल्लाह घर का मामला है और बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा एहसास मामला है, तो ये उधर ही जान दो, अपने पे आंख पे बला ना को। तो क्या बोले सब ने कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा करेंगे, हिसाब से जो होना था वो हो गया। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने हाउ बोले थे, बल्कि यानी कि जो होना था हो गया और खामोशी अख्तियार हो गई। अब यहाँ भी ऐसे होगा, फिर एक साथ सिविल कोर्ट का मसला आएगा,
फिर हिंदू राष्ट्र का मसला आएगा। तो ये मस्कवे के अंदर फिर एक बार कुछ सेकुलर ताकतें, कुछ सेकुलर लीडरान और ख़ास करके मुसलमान लीडरान पूरे देश में घूमेंगे और पूरे देश के मुसलमानों को वरगलेंगे, उनको भकेंगे कि अरे मुसलमानों एक हट्टे आ जाओ, सेकुलर पार्टी को वोट दो, नहीं तो ये देश 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, एक साथ सिविल कोड आने वाला है और बहुत सी बातें की जाएंगी। अब सवाल ये है कि ये देश तो होने वाला है, अब मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि जो जो बातें ये हो रही है, सुनने में आ रही है, ये होना ही है। लेकिन जैसा देश का संविधान लिखा जा रहा था उस टाइम आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने जब देखा कि ये बिछड़ा समाज है, दबा कुचला समाज है, इनके साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए, तो उन्होंने खारून के फ्रेम में बिठाकर बिल्कुल ऐसा काम करके गए कि आज वो उनके बड़े मसीहा कह सकते हैं, उनके भगवान के रूप में कह सकते हैं, उनको माना जाता है, पूजा जाता है। तो बस अब मुसलमान लीडरों को यही काम करने की ज़रूरत है। तमाम जो इस्लामी संगठनों के तमाम जिम्मेदारान हैं, मैं उनको बड़े अदब एहतराम से दावा दे रहा हूँ कि देखिए आप तो बहुत जी शऊर लोग हैं, लेकिन आप भूल जाइए, आप सेकुलरिज्म, संविधान, जमहूरियत, लोकशाही, ये आप ये है ना बातें, ये मीठा जहर है जो जो 70 सालों से मुसलमानों को दिया जा रहा था। एक स्लो पॉइजन था, स्लो पॉइजन। उस स्लो पॉइजन का हाल क्या हुआ, जैसा आप बोलते हैं ना, कानून, संविधान, लोकतंत्र। अरे भाई, जब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए था, यानी जो लोग ताकत में हैं, इख्तदार में बैठे हुए हैं, आप उनसे लड़ भिड़ने की बात कर रहे हैं। कौन सी दुनिया में आप और कौन से नशे में आप लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हैं और किसके दम पोते पे कर रहे हैं? इसलिए कि आप 20 करोड़ हैं जबकि कुछ भी नहीं कर सकते, नंबर एक। और दूसरा, अगर आपके जहन में ये आ रहा होगा कि नहीं, सेकुलर जमातें, सेकुलर ताकतें, सेकुलर लीडर, सेकुलर पार्टियां भी हमारे साथ है तो एक बड़ी ताकत बनेंगी और हम मुकाबला कर सकते हैं, अगर आपके जहन में ये आ रहा होगा, अगर माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा होगा, तो याद रखिए ये सबसे बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ होने वाला है और हो चुका है। इसकी मिसाल अगर मैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं, इसकी मिसाल मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़े में अगर लियूं, एक ही मिसाल है मुसलमानों को बताने के लिए कि वक्फ बोर्ड खालिसन मुसलमानों के हाथ में दिया गया, सरकार ने बना के दी, चपरासी से लेकर हम समझते हैं कि उसका वक्फ मंत्री तक मुसलमान होता है, पूरे के पूरे मुसलमान है। हजारों एकड़ जमीनात पड़ी हुई है, बारे के सर्वे करें बार ईमानदारी से और हजारों एकड़ निकल सकती है, लेकिन उसके ऊपर किसी की हलचल नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से गौर कीजिए, जो मोदी को हराने का चैलेंज कर रहे हैं, मोदी सरकार को गिराने का दावा कर रहे हैं, लड़ने भिड़ने की ताकत कर रहे हैं, अपने मर्दानगी के जौहर बता रहे हैं, अपनी ताकत को मनवाने का बात कर रहे हैं, बुलंद दावे कर रहे हैं, पूरे देश में दनदनाते घूम रहे हैं, ये राज से वो राज में जाके प्रचार भी कर रहे हैं। तो सवाल ऐसे तमाम लीडरान से है कि मराठवाड़े में जो वक्फ बोर्ड है, वहाँ आपकी हिम्मत, वहाँ आपका हौसला, वहाँ आपकी मर्दानगी, वहाँ आपकी कौम परस्ती, वहाँ कौम मिल्लत का दर्द बेला लिहाज तमाम सेकुलर पार्टी के मुसलमान लीडरों को क्यों नहीं होता? क्या ये मुसलमानों के साथ बेवफाई नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, गद्दारी नहीं है, क्या है ये? और फिर कह रहे मोदी घरा देंगे। अरे वक्फ बोर्ड तो जीत के बताओ, वक्फ बोर्ड जीत के बताओ ना, अदालतें जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, वक्फ ट्रायबल कोर्ट जिंदा है, जमीनात मौजूद है, सारी बात है, गैजेट मौजूद है, सब मौजूद है, अपने हाथ में है, वहां तुम्हारी नाकामी है। क्या मोदी को हराएंगे तुम और क्या बीजेपी को हराएंगे तुम? नामुमकिन बात है ये। एक बार फिर 24 के अंदर हम समझते हैं कि हम समझ, ये आर पार की लड़ाई है और एक बार फिर सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को इतना खतरनाक तबाही के पर लाने वाले हैं कि मैं उसको, अल्फाज मेरे पास नहीं है कि वो हालात क्या रहेंगे।
तो ऐसे हालात में अब मुसलमान कायदे को चाहिए कि बहुत हो गया, खुदारा खुदारा बहुत हो गया, बहुत तबाही हो गई, बहुत बर्बादी हो गई, क्या से क्या हो गया, हालात बस से बदतर हो गए, अब और क्या चाहते हैं आप, और क्या चाहते हैं आप, थोड़े से सीट के वास्ते, थोड़े से इख्तदार के वास्ते, थोड़े मुख्तलिफ कमीशन मंडल पे बैठने के वास्ते आप क्या चाहते हैं कि एक बड़ी करोड़ों के मुसलमानों को जो तबाह बर्बादी के रास्ते पे लाके छोड़ दिया जाए। वक्त आ गया है कि इस्लामिक तंजीमें के जिम्मेदारान हमारे उलमा इकराम, मैं उलमा इकराम को इसलिए शामिल हाल कर रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हो रहा था यही हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम की कुर्बानियाँ थी, उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा था तो ये देश आज़ाद हुआ था। इसलिए मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि आप, आपके पास जवाबदारी ज़्यादा बन जाती है। खाली सेकुलरिज्म बचाने के इस पे चक्कर में मत जाइए आप। ये बात तय है 24 के अंदर मोदी जी फिर एक बार आने वाले हैं, तो आप नए समीकरण में ठीक है तकलीफ होंगी, बहुत दर्द होगा कि 74 सालों में जो तबाही बर्बादी हुई और जिस पे हम दोष लगाते रहे, इस्लाम लगाते रहे, उनकी चौकट पे जाना, अदब से खड़े रहना बहुत तकलीफ होती है या होगी, हो सकता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जो आप कर सकते हैं कानूनी अंदाज से, अखलाक के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर वाला भी देख रहा है, दिलों को देख रहा है, काविशों को देख रहा है, नतीजे भी वो देने वाला है, आपको जाना पड़ेगा। और खुल के बोलिए, बंद कमरे में और खुल के बोलिए, मैं तो ऑन कैमरा पर संभल के बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुल के बोलिए कि मोहन भागवत साहब, आदरणीय मोदी जी साहब, या जो भी जिम्मेदारान हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, वो आपकी सोच, आपको मुबारक, लेकिन आप चंद बातों के अंदर हमको तहफ़ फराहम कर दीजिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपके साथ स्टेज पे बैठने को तैयार हैं, हम आपके लिए प्रचार करेंगे, हम आपको मुसलमान की ओर दिलेंगे, आपको बहुत ताकत से लगेंगे, आपकी जो भी ख्वाहिश है मैं इशारों में कह रहा हूँ पूरा कर लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, अभी तक 74 सालों में क्या मिला मुसलमानों को, क्या मिला? अगर कुछ नए स्वरूप में मुसलमान कदम बढ़ाते हैं, अगर उनको इंसाफ मिल जाता है, तहफ़ फराहम हो जाता है और उनकी भी मंशा पूरी हो सकती है जैसा वो चाह रहे हैं, कानून के फ्रेम में रहकर, संविधान के फ्रेम में रहकर, तो क्या बुरा है? हमें बोले तो मुसलमानों को दो वक्त की रोटी चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, आबादी के हिसाब से उनका जो हक बनता है वो चाहिए, शरीयत के, इस्लाम के, मदरसों के, दीन के बारे में जो बातें सुनने को मिलती है, मदाखलत होती है, सारी बात होती है, उसकी हमको गारंटी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनेगा भाई, माहौल बनेगा। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है। अब मुसलमानों को सोचने का वक्त आ गया है कि अब ये सेकुलरिज्म के झांसे में आप बिल्कुल मत आइए और खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। मैं एक बाहर की मिसाल दूंगा आपको, इंटरनेशनल, हालांकि ये मौजूद है उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मामला मुसलमान शब्द से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं मिसाल देने पे मजबूर हूँ। देखिए फलस्तीन और गजा की जंग चल रही है, इसराइल की जंग, बराबर है, अतराफ में 57-56 पूरे देश फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, अगर वो एकजुट हो जाए तो क्या नहीं कर सकते, एक घंटे में पूरी दुनिया का नक्शा पलटने की ताकत रखते, इतनी ताकत है, 57 देश 56 देश कम नहीं होते ना, वो आज सरेंडर है नंबर एक। नंबर दो के इस्लामी ममालिक खुद इसराइल से बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकत में है, अलग नंगे भुके नहीं है, पेट्रोल के खजानों के मालिक है, सोने चांदी के पहाड़ दबे हुए, मक्का मदीने के मतलब इतना बड़ा शर्फ हासिल है, वो उसकी आड़ में क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो भी कहने के उनसे बातचीत कर रहे हैं अमन के लिए, जंग ना हो, जो भी है उनकी मजबूरियां बोलो, बेबसियां बोलो, वो अंदर की बातें अल्लाह जाने, रसूल जाने, लेकिन जो दिखाई दे रहा उसकी बिना पे कह रहा हूं। तो फिर 20 करोड़ मुसलमानों को और इनके जिम्मेदारों को ये क्यों नहीं चाहते कि हम बीजेपी से बात करें, क्यों नहीं चाहते, जबकि इस्लामी ममालिक इसराइल से बात कर रहे हैं और सबको मालूम है क्या है क्या नहीं है एंड क्या है, सब पता है, उसके बाद भी टेबल पे आके बात कर रहे हैं।
या कुछ रास्ता निकल जाए, तो क्या हिंदुस्तान की जो मुसलमान है, मुसलमान जो कायदीन है, क्या बीजेपी से बात नहीं कर सकते? हमारा बात करने को तैयार नहीं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बोले फिरका परस्त है, वो यू परस्त है। चलो ठीक है भाई, थोड़ी देर के वास्ते मान लो, चलो ठीक है आप जैसा कह रहे हैं। कल मोदी जी आ जाते, पूरे बहुमत में आना ही है, 101% आना ही है, फिर आप क्या करेंगे? फिर मुल्क के मसले मसाइल है, कुर्बानियों के है, नमाजों के है, कब्रस्तानों के है, बहुत सी मसाजिद के मसाइल है, बहुत से एहसास मसाइल है, फिर आप कहाँ जाएंगे? सरकार के पास जाना पड़ेगा ना, वहीं जाना पड़ेगा कि साहब ये हमारे मसले मसाइल हल करो। वो क्यों हल करेंगे? करते हैं, आप वोट नहीं भी देते करते हैं, बीजेपी पार्टी करती है, इनकार नहीं है, लेकिन अगर आप उनको वोट देने का काम करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे और उनको एतमाद में लेकर एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे कि भाई आपके अजायम, आपकी सोच, आपको मुबारक, लेकिन अच्छे अंदाज से हमें भी एक सिक्योरिटी दे दीजिए, बात ख़त्म। क्योंकि इस देश में उनकी जो अजायम है, उनके बीच में कोई रोड़ा बनने वाली ताकतें हैं बोलो, या कोई बहुत बड़ी माइनॉरिटी बोलो, वो है मुसलमान। उनको ऐसा लगता है, जो खबरों में सुनते हैं उसको लगता है, और ये चाहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ में आए। और कोई बुरी बात नहीं, 950 साल इस भारत पे मुगल सल्तनत के जरिए से 950 साल हुकूमत करें, कमोबेश हम कह सकते हैं कि 1000 साल हुकूमत करें। भाई एक नए स्वरूप है, मुल्क आज़ाद हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, हरा झंडा, चांद तारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर से बांग्लादेश, ये भी इस्लामी राष्ट्र। अगर 74-75 साल के बाद अगर ये नई पीढ़ी का समाज, क्योंकि नई पीढ़ी जन्म आ गई ना, 75 साल, दो पीढ़ी आ गई, अगर नई पीढ़ी अगर हिंदू समाज की सोचती है कि हम इसको हिंदू राज बनाना चाहते हैं, तो कोई गलत बात नहीं। क्योंकि एक तरफ इस्लामी राष्ट्र बन गया, इधर भी इस्लामी राज बन गया, तो भाई कोई गलत बात? सवाल ये है कि उनकी जो भी उनकी सोच है, उनकी सोच के साथ हमारा तहफ़ कैसा हो, हम महफूज कैसे रह सके, अब इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। वरना अगर आप सोचेंगे नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम तो इलेक्शन में इनके खिलाफ जाएंगे, स्टेट से इनको बुरा भला बोलेंगे, या उनको गालियाँ देंगे, या उनको हद से ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरे देश के अंदर बीजेपी एक बार फिर बहुमत के साथ चुनके आने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं, लगभग तमाम राज्यों के अंदर लगभग बीजेपी आने वाली है। क्योंकि कौन सा ऐसा देश का हिंदू है जिसे राम मंदिर से प्यार नहीं है? कौन सा देश का हिंदू ऐसा है जिसको हिंदुत्व से प्यार नहीं है? बताइए ना, सबको प्यार है ना। अरे ये बहुत बड़ा कड़वा सच है, ये आपको सोचना पड़ेगा ना। जब तक चल गया, संविधान चल गया, सेकुलरिज्म चल गया, सारी बात होगी, और मिला क्या भाई मुसलमानों को? तबाही बर्बादी के सिवा मिला क्या? अब महाराष्ट्र की बात ले लो, दो राष्ट्रवादी हो गई, आधी इधर आधी उधर, टूट फूट हो गई, शिवसेना भी दो बन गई, अब क्या होने वाला है? यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो मुसलमानों की ओर तबीयत से फूटने वाले। जब वोट की फूटम फाट होंगी, वोट की तकसीम होंगी, तो जाहिर सी बात है बीजेपी आएंगी। फिर आप कौन से मुंह से उनके पास अपने मसाइल को ले जाते हैं? आप देखो, अभी हाल में मैंने अखबार में पढ़ा, जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान और कुछ सियासी लीडरान ने आज ही दादा पवार से मुलाकात की, फडणवीस साहब से भी मुलाकात की, और मुलाकात का नतीजा ये निकला। एक शॉर्ट में मैं आपको मिसाल दे रहा कि अजीत दादा पवार ने, ठीक है, 500 करोड़ को मंजूरी दी, मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन को लेकर 500 करोड़ की मंजूरी दी। अब अजीत दादा पवार कौन है? बीजेपी के साथ गठबंधन में है, शिंदे सरकार में दिए ना आपको, हालांकि वोट नहीं दिए आपने, अभी चुनाव नहीं आने वाले, फिर भी उन्होंने 500 करोड़ दिए। भाई अगर वो मुसलमानों के अगर हक में फैसले लेने लग जाए बीजेपी वाले, तो क्या देश के जो हिंदू है वो आपसे उनसे पूछेंगे नहीं कि भाई आप मुसलमानों को कितनी रियायत दे रहे, इतनी छूट दे रहे, या जो भी कर रहे आप क्यों दे रहे? तो बीजेपी पार्टी के जिम्मेदारान को, कायदीन को बोलने की जगह है ना कि भाई आज देखो स्वरूप बदला है, आज मुस्लिम समाज देश का हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हम सबको साथ लेने का वादा करते हैं, हम राम राज लाने का वादा कर रहे हैं, और राम जी की तालीमात ही रही कि वो किस पे अन्य अत्याचार नहीं करते थे,
अन्याय नहीं करते थे। हिंदुत्व अपने आप में शांति का संदेश देता है, तो हम उसी शांति उसके द्वारा देश के सभी मुसलमान समाज, मिश्रित समाज, सबको न्याय देने का काम कर रहे हैं, तो बुरा क्या है? तो उनका समाज भी जरा उसको एग्री करेगा, कबूल करेंगे, हाँ भाई सही बोल रहे। उनको भरे पूरे देश के अंदर दंदनाते घूमेंगे, उनको गालियाँ देंगे, उनको बदनाम करेंगे, उन पर इस्लाम तराशी करेंगे, उनको गिरा गिरा के बोलेंगे, फिर वो चुन के आ जाएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, फिर आप कहाँ जाते? सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। देश में पूरे मदरसों का मसाइल है, अखबार में आप पढ़ रहे हैं, मदरसे निशाने पे है, बहुत सी मस्जिदों पे आप सवाल उठने लगे हैं, बहुत सी बातें हैं। ये कब होंगी? जब आप उनकी गहरी गुर्बतें बढ़ेंगी। कुछ लो और दो, हम आपके साथ वोट की ताकत रखते हैं, हम आपको इख्तदार में लेंगे, जैसा हमने 74 साल में सेकुलर पार्टी को लाया, हम आपको भी लेंगे, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। ठीक है, हमने उनको आजमाया, अब हम आपको आजमाते हैं, करना पड़ेगा ना। अगर आप करेंगे इस नहीं और दूर दूर रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं, उनका कुछ होने वाला नहीं, वो बराबर इख्तदार में आने वाले हैं, राज्य में उनके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। अब आप सोचिए आपको क्या करना है, आप कौन से मुंह से जाएंगे? आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, शिवसेना को वोट नहीं देंगे, उनसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ेंगे, तो कब बढ़ेंगे भाई? आज भी बढ़ेंगे, 74 साल के बाद भी नहीं बढ़ेंगे, तो कब बढ़ेंगे? जब सब खत्म हो जाएगा, जब सब खत्म हो जाएगा, तो जब बोलेंगे सरकार दया माया करो। और आज आपको इज्जत से बुला रहे ना हो बीजेपी वाले, ये आपको इज्जत से दावत दे रहे मुसलमानों को कि आओ हमसे बैठो, बात करो, बात करो ना। बर्फ इतनी जल्दी थोड़ी पिघलेंगे, दम दम से मामला होंगे ना। अब सवाल ये है कि ये जब बहुत से लोग करेंगे नहीं, देश हिंदू राज बन जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा सिविल कोड आ जाएगा, ये जो है ये आना ही है। अगर देश की जनता बहुमत के साथ, मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ, ये काम होना ही है। मुसलमान इसकी कितनी मुखालिफत करे, मुसलमान कुछ होने वाला नहीं। और ये सेकुलर पार्टी के जो लीडरान हैं, ये मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो। क्योंकि आप गौर कीजिए, जितने सेकुलर पार्टी का बड़े बड़े लीडरान हैं, उसमें बड़ी संख्या मुसलमान भी आते हैं। ये गरीब नंगे भूखे नहीं रहते, लखपति करोड़पति, माजी आमदार, माजी खासदार, कोई करण का आजी आमदार, कोई कुछ कमीशनर बैठा हुआ, कोई कंपनी का मालिक, अचानक साठगाड़ भी रहती। ये स्टेज पे आके बुरा बोला बोलते गाला देते, और बराबर जाके मिलते, होटलों में जाते, घरों पर जाते, गले में हाथ डालते, सब बराबर चढ़ा। अगर एक छोटी मिसाल अगर दे दूँ मैं, अब अजीत दादा पवार अलग हो गए, लेकिन आपने देखा होगा अखबार के जरिए से, अजीत दादा पवार जो है तो उनके चच्ची की जब तबीयत खराब हुई तो मिलने को गए। अब जाहिर सी बात, शरद पवार साहब घर में होंगे, चच्ची से मुलाकात कर रहे होंगे, तो सलाम आदाब तो हुआ होगा ना, पैर छुए थे होंगे ना, समझ रहे आप क्या बोल रहे? और सियासत ने क्या चढ़ा अखबार में, बोले वो घड़ी हमारी है कि घड़ी उनकी है, चुनने के वास्ते लड़ाई लड़ रहे, और दुख सुख के टाइम बराबर आदाब सलाम नमस्ते आशीर्वाद सब चढ़ा। खैर उस पर टीका करना नहीं, उनका जाति मसला है। मैं मुसलमानों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने अंदर एक नई इनकलाबी सोच लाओ, राजनीति के अंदर नया परिवर्तन लाओ, और जो सियासी गुलाम बने हुए हैं कुछ लोग, मुसलमान लीडर सेकुलर पार्टी को सियासी गुलाम बने हुए हैं कुछ लोग, इनकी गुलामी को आप तलाक दे दो, इनकी गुलामी छुटकारा पा लो आप, और मुकामी सतह पर, जिला जाति सतह पर, ताल्लुका जाति सतह पर, यहाँ तक के महल्ले जाति सतह पर शिवसेना वाले भाजपा वाले से बातचीत करो, डायलॉग करो। हालात यकीनी तौर से सुधरने को टाइम लगेगा। हो सकता है कि अगर मुल्की सतह पर अगर हम नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तो वो भी अपने रवैये में लचक पैदा करेंगे साहब, लचक। उनको मालूम है 25 करोड़ की आबादी है, और मोदी जी को मालूम है कि 57 देश में उनकी छवि कैसी है, 57 इस्लामी राष्ट्र है। मोदी जी भी चाहते हैं कि मेरे भारत का नाम बदनाम ना हो, और 25 करोड़ मुसलमानों का भारत देश लेके चल रहा है, वो भी यहाँ टंकी की चोट पे वहाँ कहते हैं इस्लामी देश में, तो उनको भी एहसास है इस चीज़ का। लेकिन 2 कदम अगर हम बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए वो 10 कदम बढ़ने को तैयार है, क्योंकि अगर वो बढ़ेंगे तो क्या हिंदू समाज पूछेगा नहीं कि जिसके दम पर, जिसके आप खिलाफ बोलते हैं, जो भी अच्छा बुरा बोल रहे हैं, जो भी चल रहा है, जिस पर आप टीका कर रहे हैं, उसके बाद हमको वोट दे रहे हैं और आप हमारे विचारधारा हटके काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हिंदुत्व से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मज़हब जो है तो आतंकवाद की तालीम नहीं देता, चाहे इस्लाम धर्म हो, ईसाई हो, हिंदुत्व हो, ये सब अमन शांति के संदेश है। अगर ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो गोया ये शांति की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। बहरहाल मुसलमानों को चाहिए
कि अभी झकोले में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत कड़ू कसाले आपको फैसले लेना पड़ेंगे, आपको उनसे डायलॉग करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमानों की बका का मसला है, उनके तहफ़ का मसला है, अरबी मदारिस का मसला है, ऐतिहासिक मस्जिदों का मसला है, खबरस्तानों का मसला है, रोज़ी रोज़गार का मसला है, बुरखे का मसला है, शरीयत का मसला है, बहुत से मसले मसाले साहब, और ये लोग ताकत में है, ये इख्तदार में है, इनकी कलम से जो है तो फैसले बदले जाते हैं, फैसले पलटे जाते हैं, फैसले सादिर होते हैं, ये सादे लोग नहीं हैं, ये वाला बैठने वाले लोग हैं। आप जिधर चौराहे पर सिल्ला पुकार करो, मुर्दाबाद जिंदाबाद। तो बहरहाल वक्त आ गया है कि आप मुसलमान सेकुलर पार्टियों के दायरे से बाहर निकले और उसे खुल के बात करें, क्योंकि सेकुलर पार्टियों के अंदर जो भी बड़े बड़े हिंदू नेता है वो भी श्री राम को मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, सारी बात है, अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो फ़र्क क्या है? अगर ये बीजेपी वाले अगर हमको इंसाफ देने की बात कर रहे हैं तो बात करने में बिगड़ता क्या है? वक्त आ गया है कि देश का मुसलमान और ये संगठना के लोग, इस्लामी संगठन के लोग एक पहल करें, एक कामयाब पहल करें। हो सकता है कि कुछ नाकामी आ सकती हैं, हो सकता है कि कुछ मसले मसाले आ सकते हैं, कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये पेचीदगियाँ इतनी बड़ी नहीं है, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेंगी और रास्ता हमवार होगा। बहरहाल जैसा हम देखते हैं कि मुसलमान को छोड़कर सभी जो अलग अलग जातियों का समाज है, अलग अलग स्टेटों में इन्होंने चलती गाड़ी बैठने का काम किया है, जिन्हों जो पार्टी ने उनके लिए हक की आवाज़ की बुलंद की उनके साथ चले गए, कभी सेना के साथ गए, कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ गए अपने फ़ायदे लिए, कानून के दायरे में, संविधान दायरे में जो उनको सहूलतें हैं पूरा बढ़ चढ़ के लड़ के झगड़ के बैठ के कभी प्यार से लिए। अब मुसलमानों ने क्या किए? सिर्फ एक ही नारा, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और ख़त्म। बहरहाल 74 सालों में सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला, और वक्त आ गया है कि नए समीकरण में देश के हमारे काबिल उलमा इकराम एक तारीख बनाए, एक इतिहास रचे, क्योंकि आप दानिश्वर लोग हैं, आपके दिल आपकी सोच बड़ी मुखलिस होती है, बड़ी नेक होती है, अल्लाह उसमें बरकतें देंगे, अल्लाह की तानिब से मदद देंगे, आप बातचीत कीजिए और पैगाम दीजिए, क्योंकि एक तरफ 20 करोड़ मुसलमान हैं, एक तरफ जो है तो 100-125 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं। ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, हमें बिरादरान वतन के साथ खांदे से खांदा मिला के हमको चलना पड़ेगा, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा कि जब हम उनके साथ साथ चलें, सियासत में, राजनीति में, माशरत में, कारोबार में, तालीम के मैदान में हम चलें, साथ ले और साथ दे, तो तभी मुमकिन है कि हमारा भी विकास होगा। न तो याद रखिए, आने वाले 24 में मोदी जी का डंका बजने वाला है, मैंने 5 राज्य के इलेक्शन हो रहे थे जब भी कहा था कि मोदी जी की एक बार फिर डंका बजने वाला है, बज चुका, अब 24 में भी डंका बजने वाला है, कितने भी उठा पटक कर लो कुछ होने वाला नहीं है, और सिर्फ चंद मुसलमान लीडरों का भला होने वाला है मुल्की सतह पर। तो ये बात को मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों को बेदार करने के लिए बनाया गया है, और बहुत कड़ू बात है, बहुत तकलीफ़ देह बात है, मुझे खुद बोलते हुए तकलीफ़ हो रही है। तो बहरहाल लेकिन फैसला हमारे जो बड़े हैं उनको पहल करना पड़ेगा, और बेदार ने बताया हिंदुओं को पैगाम देना पड़ेगा कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुइज़्म के खिलाफ नहीं, हम हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं, हम आपके भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। बहुत मियारी अंदाज से, अच्छे अंदाज से आपको चलना पड़ेगा, तो ही मुसलमानों के हालात बदल सकते हैं, उनको इंसाफ मिल सकता है, वरना जिंदाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद के अगर नारे इस तरह लगाएंगे तो याद रखिए कि 2024 के बाद फिर क्या होने वाला है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आप समझेंगे, आप पूरे देश भर में फैलाइए, ये वक्त हालात की ज़रूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।